तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग, और आप वीडियो भी कह सकते हैं। तो आज के पता है इस वीडियो में हमारे ही कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन। तो उसमें पता है ना, बच्चे जो थे सारे इयर्स के आ रहे हैं, तो उनने पता है ना अपनी प्रिपरेशन करी होगी पोएट्री की, और संघर्ष और सफलता उसका मेन टॉपिक है, तो उसी के बारे में पोएट्री है सारी। तो अपन चलते हैं वहाँ। तो गाइज, हमारे साथ उस क्लब के कोऑर्डिनेटर हैं अरुण मौर्या से, फ्रॉम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो अरुण सर, अभी चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज। और आपको पता है उन पोएट्री से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो मोटिव है ना, संघर्ष और सफलता, हाँ। तो उसका उससे मतलब आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। Our team, photography and fine arts club, are organizing an event of poetry recitation competition. So I would like to thanks to all of the participants. करने से रुको मत, खुद को कुछ करने से कुछ तो बदलेगा, आगे बढ़ने से कुछ तो बदलेगा, आगे बढ़ने से। आदरणीय अध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रवि प्रसाद, सिविल सेकेंड ईयर का छात्र, आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। थोड़ा थकता जाता हूँ अब मैं, इसीलिए दूर निकलना छोड़ दिया। थोड़ा थकता जाता हूँ अब मैं, इसीलिए दूर निकलना छोड़ दिया। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया, मैंने चलना छोड़ दिया। चल रहा हूँ अपनी मंजिल की सफर में, चल रहा हूँ अपनी मंजिल की सफर में। मंजिल को पाना भी बाकी है, कर लेने दो लोगों के चर्चे मेरी हार के, कर लेने दो लोगों के चर्चे मेरे हार के। कामयाबी का शोर मचाना भी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना भी बाकी है। Miss Pragya Singh from IIT first year. We need judges and all of them who are present over here. It was gigantic, tremendous elder. Seeing the terrain, I felt younger. The gigantic peaks and the rocky path made me feel to go back down. But my mind was determined for the path I choose. I aim my life for the top of the peak. Magazine के लिए मैं छोटे से पॉकेट मनी को कलेक्ट करना, क्योंकि इस मंथ की एडिशन की दोनों एडिशन मेरे पास हो। संघर्षी है ना? संघर्षी है ना, बिना टिकट से रेलवे के साइड से निकल जाना संघर्षी है ना।
सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाव नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
इस जग में जितने जुल्म हुए उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म हुए उतने सहने की ताकत है, कानों में भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फेरो सुनने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फेरो झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक उठ सेना बनूंगा मैं, तब तक उठ सेना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। तो मैं उन सबकी लाइनों को संक्षेप में बस चार लाइनों में बोलना चाहूंगा कि दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, अंधेरे को और अंधेरा करेगी, तुम जुगनू सा चमकना इस अंधेरे में, दुनिया तुम्हें चमत्कार करेगी। एक और रात भूखे पेट से हो गया, एक और रात भूखे पेट से हो गया, वो एक और रात उसे याद नहीं आई है, एक और रात अकेले मन में गुजर गई उसकी, एक और रात उसे तन्हाई कर पाए, जिम्मेदारियां गिलेमान पकड़ कर उसे रुलाती है, मजबूर है कितना हो उसे पल पल याद दिलाती है, बूढ़े बाप के सपने उसके आंखों की नींद उड़ाए, अंधेरे से उस कमरे में उसे उसके मन के सपने लगाए, एक और रात भूखे पेट से हो गया, वो एक और रात उसे याद नहीं आई। पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खुद ही खुद की पहचान लिखनी पड़ती है, कामयाबी सबको खुद ही हासिल करनी पड़ती है, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल, जी जान से लगना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरुण, आप विनर हैं इस ट्रॉफी के, क्या कहना चाहेंगे आप? विनर हैं, अच्छा लग रहा है फिलहाल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, और काफ़ी मोटिवेट होंगे इससे लोग। हाँ, जो देखेंगे, जो इस ब्लॉग को देखेंगे वो तो ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो गाइज, पता है इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और जो पोल्ट्री बोली गई है वो उससे काफ़ी सफलता और संघर्ष है, तो आपको काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का वीडियो पता है ना, यही ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।